COVID-19 के कारण जो भी लोग भारत से बाहर ट्रैवल करना चाहते थे, चाहे वो स्टडी के पर्पज़ से हो या किसी और रीज़न से हो, उन सभी लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। पहले फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, फ़्लाइट्स का आना जाना बंद हो गया, उसके बाद एक लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा। अब जाकर लॉकडाउन भी जब ख़त्म हो चुका है और वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से चलने शुरू हो गई थी, फिर भी जो भारतीय हैं उन्हें बाहर जाने के लिए तंगी आई, बाहर जाने के लिए अभी भी परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो वैक्सीन्स हैं उनका ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं है। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को WHO और यूरोपियन यूनियन दोनों ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, दोनों ने अलाउ नहीं किया है। और कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो कोविशील्ड को WHO ने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ अभी भी बाकी हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए साजन हैं, ये अब्रॉड जाना चाहते थे किसी रीज़न से, लेकिन इन्हें भी बहुत सारी परेशानियां फ़ेस करनी पड़ रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब परेशानियां जो ये फ़ेस कर रहे हैं। साजन, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैंने अपनी फ़र्स्ट डोज जो है वो 14th of June को लगाई थी कोवैक्सीन की। और अभी आपकी सेकेंड डोज जो है वो बाकी है? मेरी सेकेंड डोज जो है वो 12th of July को ड्यू है, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं उस ड्यू डेट पे ही लूँगा उसे। कब कहाँ जाना चाहते हैं, पहले तो यही जानना चाहूँगी, कौन से देश में आप जाना चाहते हैं और रीज़न क्या है, क्या पर्पज़ है जाने का? एक्चुअली मैं 2 साल से कनाडा जाने का ट्राई कर रहा था, बट आप जानते हैं कोविड की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी कि हमारा जाना डिले हो गया, और अब कनाडा का ही है मेरा, और मैं वहाँ पे अपनी मास्टर्स के लिए जाना चाहता हूँ, एंड इसी कोवैक्सीन की वजह से मुझे बहुत सारी ट्रबल्स आ रही हैं। क्या ट्रबल्स आ रही हैं आपको, सबको बताइए कि क्या आपको पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वैक्सीनेटेड पासपोर्ट ज़रूरी है, और उन सब चीज़ों में क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है कोवैक्सीन लगाने के बाद? एक्चुअली अगर हम थोड़ा डिलिब्रेटली बात करें तो सबसे पहली चीज़ की अभी और किसी चीज़ में कोई ट्रबल नहीं आ रही है, मुझे पासपोर्ट और बाकी सब चीज़ें भी हो गई हैं। एक इकलौती चीज़ ये आ रही है कि ऐसे आप जानते हो शायद कुछ दिनों पहले कनाडा ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिन्होंने उसमें क्लियर मेंशन किया था कि फॉर द पीपल हु बीन सक्सेसफुली फुली वैक्सीनेटेड उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अटेंड करने की जरूरत नहीं है कनाडा में। दिस इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, बट अगर स्टेटमेंट को हम अच्छे से स्टडी करें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो ये सिर्फ आपका टाइम ही नहीं, आपके दिन ही नहीं, आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बचा रही है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन अगर आप कनाडा में लेते हैं तो वो आपको 1 लाख से ज़्यादा के अमाउंट में पड़ेगा। तो फॉर ए मिडिल क्लास फैमिली जो 20 लाख या 25 लाख रुपए पहले ही इन्वेस्ट करके एजुकेशन में वहाँ तक जा रहे हैं, उनके लिए 1-1.5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करना इज़ अ बिग टास्क। यानी कि ऑलरेडी जो आपने वीज़ा लगाया या फिर पढ़ाई का जितना भी खर्चा था वो सारा अमाउंट अलग रखने के बाद एक और एडिशनल आपको अमाउंट, एक और एडिशनल खर्चा आपको करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आपने कोवैक्सीन का डोज लिया है। जी बिल्कुल, और यही क्वेश्चन मेरा सरकार से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है जम्मू की, और सब लोगों से है जो रिस्पेक्टिव इस फील्ड में जो डील कर रहे हैं, कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने अपनी फर्स्ट डोज जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो मुझे अवेलेबल हुई मैंने उसमें वो फर्स्ट डोज लगाई। आप जानते हैं बहुत सारी धारणाएं हैं वैक्सीन को लेके जहाँ पे बहुत सारे लोगों कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इन सब चीज़ों को परे रखते हुए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और हमने अपनी वैक्सीन फर्स्ट डोज जो है बिल्कुल टाइम पे लगाई, और वही चीज़ हम सेकंड डोज के साथ भी करेंगे। बट अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैंने ये सब किया तो वेयर एम आई रॉन्ग, व्हाई एम आई पेइंग प्राइस फॉर दिस? किसी को पूछने की कोशिश की आपने हायर अथॉरिटीज़ में, कहीं आपने मेल डाला या जानने की कोशिश की अपने सवालों के जवाब की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की इतनी बड़ी गलती क्यों मिल रही है आपको? एज यू नो सेड वेरी राइट, आई बिन मेकिंग मल्टीपल अटैम्प्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग जगहों पर ट्राई की। मैंने ट्विटर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर जयशंकर को और भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैंने ट्वीट भी किया है और रिस्पेक्टिव मेल्स भी लिखे हैं, बट अभी तक मुझे किसी का कोई रिप्लाई नहीं मिला। आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा लगाया है लेकिन इसी रीज़न की वजह से वो नहीं जा पा रहे, यही रीज़न है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, यही रीज़न है। अब आपका वीज़ा आ गया, आपका PPR आ गया, उसके बाद तो सिर्फ यही स्टेप रहती है कि आप फुली वैक्सीनेट हों और जाएँ और वहाँ पर जाके अपनी स्टडीज़ परस्यू करें। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ जम्मू की बात मत करिए, बहुत सारी सिटीज़ और स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोवैक्सीन अवेलेबल है और स्टूडेंट्स ने कोवैक्सीन लगवाई है। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी ने बंगाल के बिहाफ पे, बंगाल के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एक लेटर जो है वो PM मोदी को फॉरवर्ड किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि कोवैक्सीन की ग्लोबल एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, और ये चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, हमारी वॉइस रेज करें, PM तक पहुँचाएँ, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ ताकि जल्द से जल्द कोवैक्सीन को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले और हमें बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
धन्यवाद। देखा आपने कि स्टूडेंट्स हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, किसी काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हो या कुछ भी कोई भी रीज़न हो, सबको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाने के बावजूद, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं थी कि जहाँ पे लोग वैक्सीन से हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, अपने आप को वैक्सीनेट किया, लेकिन फिर भी इन्हें अब्रॉड नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने वो वैक्सीन लगाई है जो इंडियन ओरिजिन की है, जिसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पर यह मना कर दिया था कि कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका जहाँ पे अलाउ की गई है, उसे अप्रूवल मिला है यूरोपियन यूनियन में, वहीं पे एस्ट्राजेनेका का इंडियन वर्जन जो है कोविशील्ड, उसे वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। इसी के चलते बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बहुत सारे लीडर्स ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे ये बात रखने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को, और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी बात की है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के, इंडिया के रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सिर्फ इस वजह से क्यों बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है कि उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चर वैक्सीन लगाई है। इसी के चलते साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, वो किसी तरह का प्रेशर बना रही है यूरोपियन यूनियन पे कि अगर वहाँ पे हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो यूरोपियन यूनियन का जो सर्टिफिकेट होगा उसे भी निषेध कर दिया जाएगा, और वहाँ से आने वाले लोगों को जो इंडिया में आएंगे उन्हें मैंडेटरी क्वारंटीन बर्दाश्त करना पड़ेगा।